Hello everyone, I welcome you all in my education channel Prabhav Education Hub, and in this video we are discussing Indian capital market. पिछले वीडियो में हमने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कवर किए थे, ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने उसको देखा है एंड ओवरऑल सारी वीडियोस को आप देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए डिस्कस करते हैं. इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, इसको शॉर्ट में SFI कहते हैं, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे है टू न्यू FIs, ठीक है, टू न्यू FIs. FI स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू फाइनेंस रिस्क एंड इनोवेशन इन इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन. तो गवर्नमेंट ने लेट 1980s में डिसाइड किया कि दो नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेके आएंगे जिससे कि रिस्क और इनोवेशन को फाइनेंस किया जा सके इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में. तो बेसिकली ये वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग से रिलेटेड था, अब ये वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग होता क्या है? बेसिकली जब भी कोई फर्म जो ऑलरेडी एक बड़ी फर्म है या फिर कोई फंड वाली कोई कंपनी है, ठीक है, फर्म और फंड वाली जो कंपनी है, जब कोई नए और इमर्जिंग न्यू और इमर्जिंग बिजनेस को फाइनेंस करती है, ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस करती है, तब उसे कहते हैं वेंचर कैपिटल. मतलब कोई बड़ी कंपनी है, कोई फर्म है ऑलरेडी, जिसने नए और कोई जो इमर्जिंग जो बिजनेसेस होते हैं, न्यू बिजनेसेस, उसमें फाइनेंस करती है, उसको वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कहते हैं. और ये जो नई वाली जो इमर्जिंग बिजनेसेस होती हैं, यूजुअली इनका हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है, ठीक है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है. थोड़े रिस्की भी होते हैं, स्टार्टअप होते हैं बेसिकली. ये स्टार्टअप कंपनियों को ज़्यादातर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग मिलती है, और ये इसलिए ये फर्म्स करती हैं फाइनेंसिंग ताकि जब ये एक उम्मीद में ऐसा फाइनेंस करती हैं कि ये जो स्टार्टअप है आगे चल के खूब सारा सक्सेस पाए और बेसिकली इसमें हम लोग इक्विटी स्टेक होल्डर बने. तो ऑनरशिप के लिए, इक्विटी स्टेक होल्डर बनने के लिए, ओवरऑल ऑनरशिप पाने के लिए, इस लालच में ये कंपनियां फाइनेंस करती हैं इसको. लेकिन ये बहुत ही हाई रिस्की होता है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टार्टअप चले या ना चले, तो ये हाई रिस्की होता है. लेकिन उम्मीद में ऐसे फॉर्म्स जो हैं, इनका ग्रोथ रेट पिछला जो भी होता है, थोड़े दिन से जो भी बिजनेस में होती हैं ये लोग, उसका ग्रोथ पोटेंशियल ये लोग देखते हैं और इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इसी फाइनेंसिंग को कहते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग. ये जो वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स होते हैं जिसमें वेंचर कैपिटल मिलता है, ये मैक्सिमम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड वगैरह होते हैं, जैसे IT सेक्टर से, ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी की कोई कंपनी है, स्टार्टअप है, वहाँ पर भी खूब सारा जॉइंट वेंचर देखने को, वेंचर कैपिटल देखने को मिलता है बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वाली में, ठीक है. तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन था वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग से, जो कि मुझे बहुत ज़रूरी लगा आपको बताना, बिकॉज जो ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस आई, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस इसी से रिलेटेड है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग से ही रिलेटेड थी. क्योंकि देखा जा रहा था कि नई नई कंपनियों को फाइनेंस नहीं मिल पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने लेट 1980s में ऐसा डिसाइड किया कि ऐसी कोई स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए जो कि फाइनेंस कर सके ऐसी कंपनियों को, और उनमें भी बहुत ही रिस्क होता है और इनोवेटिव होती हैं, ठीक है, तो उनको फाइनेंस करने के लिए ये लाया गया था. तो इसमें पहला जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज बेसिकली फर्स्ट वन इज़ IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, ठीक है. तो IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, जिसको कहते हैं IFCI वेंचर शॉर्ट में, और ये 2000 में बेसिकली बना था. लेकिन इसके पीछे थोड़ी इसकी हिस्ट्री है वो जान लेते हैं.
हिस्ट्री है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो IFCI ने बेसिकली 1975 में, ठीक है, IFCI ने 1975 में रिस्क कैपिटल फाउंडेशन का गठन किया था। यहाँ पे रिस्क कैपिटल फाउंडेशन का गठन किया था IFCI ने, ताकि जो नई नई इमर्जिंग स्टार्टअप्स थे उनको बेसिकली प्रमोट किया जाए, उनको पैसा दिया जाए ताकि उनका ग्रोथ हो। तो इनका स्टार्टअप 1975 में ये इनिशिएटिव लिया था IFCI ने, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन खोला था, ठीक है। देन इसको 1988 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया कंपनी में, एक कंपनी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, RCF को कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी जिसको कहते हैं रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिस्क कैपिटल, ठीक है, रिस्क कैपिटल टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसको RCTC स्मॉल में कहते हैं, रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड। तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया 1988 में, RCF से एक कंपनी में बना दिया गया। ये फाउंडेशन था, RCF को एक फाउंडेशन था, इस फाउंडेशन को कन्वर्ट कर दिया गया एक कंपनी में जिसका नाम है रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये सारा यहाँ तक कुछ डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद देन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, UTI जिसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट किया एक टास्क RCTC को, RCTC मैंने बताया क्या है, एक टास्क इंटरेस्ट किया विद द मैनेजमेंट ऑफ वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम, इसको एक मैनेजमेंट का टास्क मिला। किस क्या मैनेज करना था यहाँ पे, इसको मैनेज करना था वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम को, वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम को मैनेज करना था, जिसको शॉर्ट में कहते हैं VCOS 3, ठीक है, VCOS 3 कहते हैं इसको। तो वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम इसको बोलते हैं, वी फॉर वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम, ठीक है। इसको VCOS 3 कहा जाता है, ठीक है। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने RCTC के मैनेजमेंट का टास्क, RCTC को मैनेजमेंट का टास्क दिया वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम का, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम जो है उसके मैनेजमेंट का टास्क दिया गया RCTC को, ठीक है। तो ये टास्क इसको मिला था 1991 में ये टास्क मिला था, ठीक है। देन IFCI का काम खाली यही नहीं है बेसिकली, रिस्क और इनोवेशन फाइनेंसिंग वेंचर कैपिटलिज्म ही इसका काम नहीं है, इसका काम एसेट मैनेजमेंट का भी है, ठीक है। तो IFCI को बेसिकली ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था एसेट मैनेजमेंट पे, और कहीं ना कहीं उसको एफर्ट उसकी कम लग रही थी एसेट मैनेजमेंट में। तो इसलिए IFCI ने, वेंचर ने डिसकंटिन्यू कर दिया RCTC को,
आरसीटीसी को डिसकंटिन्यू कर दिया यहाँ पे, आईएफसीआई ने अपना हाथ खींच लिया इसमें से, ठीक है, और विकास को कंटिन्यू रखा, विकास को कंटिन्यू रखा, ठीक है। ये 1991 के बाद ही हो गया, ठीक है, 1991 के बाद, चूँकि आईएफसीआई को एसेट मैनेजमेंट का काम करना था, उसमें ज़्यादा फोकस देना था, इसलिए उसने आरसीटीसी के वर्क को ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और लेकिन विकास को कंटिन्यू रखा। तो बेसिकली दे कंटिन्यूड विकास। 2007 में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ, 2007 में डेवलपमेंट ये हुआ कि यूटीआई बेसिकली कन्वर्ट हो गई, कन्वर्टेड इनटू सूटी, जिसको बोलते हैं SUUTI, इसका फुल फॉर्म है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ UTI बोल सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और विकास को जो कि वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया सूती में, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट ये है कि सूती के अंडर ही, जो कि स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ UTI वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम है, जिसको VECAUS3 बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन कहीं आए विकास 3 किसके अंडरटेकिंग में है, किसके अंदर है, तो ये सूती के अंदर आता है, ठीक है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड से रिलेटेड। मैंने आपको बताया कि लेट 1980s में, एक बार रिकैप करा देता हूँ, लेट 1980s में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई ऐसे काम नहीं चल रहा है, नए स्टार्टअप्स में फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो रिस्क और इनोवेशन फाइनेंस होना चाहिए, इसके लिए वेंचर कैपिटलिज्म, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का प्रोविजन शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट उतरी वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में, उसके लिए गवर्नमेंट ने पहला जो FI खोला वो है IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड। मैंने आपको बताया वेंचर कैपिटल क्या होता है, कैपिटल फाइनेंसिंग, जब भी कोई बड़ी फर्म जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, कोई नए स्टार्टअप या फिर जो कि इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, उनमें पैसा लगाती है इस चाह में कि बाद में उसका अगर खूब चल जाए वो स्टार्टअप, खूब सारा उसमें प्रॉफिट हो तो उसमें ऑनरशिप मिले उसको, वही जो पैसा ये लोग देते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑनरशिप में, इक्विटी वगैरह के मालिक हो जाते हैं। और ये सब जो स्टार्टअप्स होते हैं मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी में IT, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। IFCI वेंचर कैपिटल के बारे में बताया है, कहानी कैसे स्टार्ट होती है 1975 से, जब एक फाउंडेशन बनता है रिस्क कैपिटल फाउंडेशन, ठीक है, देन 88 में कुछ इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक कंपनी में, जिसको RCTC बोलते हैं, कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको RCTC बोला जाता है। देन अगेन 1991 में UTI RCTC को एक टास्क देती है, ठीक है, एक टास्क देती है कि भाई आप मैनेजमेंट करो वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम का, जिसको विकास बोलते हैं, मैनेजमेंट का टास्क मिलता है यहाँ पे UTI के द्वारा, ठीक है, क्या मैनेज करने का, वेंचर कैपिटल यूनिट स्कीम 3 को मैनेज करो, ठीक है। देन लेटर ऑन ड्यू टू अदर जॉब ऑफ IFCI, जैसे कि उसको
एक बड़ा इम्पोर्टेंट एसेट मैनेजमेंट का करना पड़ता है, तो उसने ये काम छोड़ दिया IFCI ने, और RCTC को ड्रॉप कर दिया गया यहाँ पे, विवेकास को कंटिन्यू रखा गया। देन सूती वाला आता है यहाँ पे, UTI कन्वर्ट हो जाता है सूती में, ठीक है, और सूती को विकास के मैनेजमेंट का, विकास को इसके अंडर रख दिया जाता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं इसके दूसरे जो FI होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दूसरे FI के बारे में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं दूसरा वीडियो लेके आता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।